देखो अब हमें पढ़ना है बहिर्जात बल, ठीक है। बहिर्जात बल शुरू करने से पहले एक चीज समझो, हमारे आप अपने आप से एग्जांपल लो तो, जैसे मान लो कि आपका शरीर है नहीं और खूब दब करके मसालेदार खाना खाया, नहीं खूब तेल खाया, खूब मसाले खाया, तो चेहरे पे क्या होते हैं, दाने निकलने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बात बताओ, जो चिकना सा चेहरा था उसमें दाने जो निकले वो अंदर के समस्या के कारण निकले कि बाहर के समस्या के कारण? तो अंतर जात जो बल होता है वो बाहर में क्या करता है, विषमता पैदा करता है, उबड़ खाबड़ पैदा कर देगा। यानी पृथ्वी के अंदर से जो बल पैदा होता है ना, वो पृथ्वी पर क्या कर देगा, कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा। और जो बहिर्जात बल है वो ऊंचा और नीचा को काट पीट के क्या कर देता है, बराबर कर देता है। समझ रहे हैं? तो जरा सा देखिएगा, दो बातों को समझिएगा पहले ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लो कि ये धरातल है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ये उच्चावच है। उच्चावच समझते हैं, कहीं पहाड़ बन गया, कहीं पठार बन गया, और ये मान लो क्या है, गड्ढा है, ठीक है। और यहां से मान लो कोई नदी क्या कर रही है, गुजर रही है, तो नदी धीरे धीरे इसको क्या करेगी, तोड़ेगी। तो तोड़ेगी कब तक तोड़ेगी, जब तक ये समतल ना हो। तो उच्चावच की जो तोड़ने की क्रिया होती है इसको निम्नीकरण कहा जाता है। ये क्या है बताओ, निम्नीकरण, ये निम्नीकरण है। तो उच्चावच को तोड़ना और तोड़ करके समतल करने का प्रयास करने की प्रक्रिया को निम्नीकरण कहा जाता है। और ये जब टूटेगा तो इसके जो अवसाद बचेंगे, इसको ढो ढा के ले जाके इसमें क्या करेगा, वो भरेगा, गड्ढों को क्या कर देगा, भर देगा। और कब तक भरेगा, जब तक ये समतल ना हो जाए। तो ये भरने की प्रक्रिया जो है ये अधिवृद्धि कहलाता है। हाँ, अधिवृद्धि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अधिवृद्धि और निम्नीकरण में क्या फर्क होता है, तो उच्चावच को काट पीट करके समतल करने की क्रिया निम्नीकरण, और किसी गड्ढे को भर करके उसको समतल करने की प्रक्रिया अधिवृद्धि। दोनों अलग अलग चीज है कि नहीं है? अब यहां पर देखिएगा, आपको समझना क्या है, बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल में दो बातों को जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक है अपक्षय, जिसको इंग्लिश शब्द इसके लिए क्या है, वेदरिंग, अपक्षय वेदरिंग। और एक है अपरदन, अपरदन के लिए इस्तेमाल क्या किया गया है, इरोजन। ये वेदरिंग और ये इरोजन, इन दोनों में सबसे पहला अंतर समझिए। अपक्षय जो है वो अस्थैतिक घटना है। कैसा घटना, अस्थैतिक। अस्थैतिक मतलब रुकी हुई घटना, एक ही जगह पर, इसमें कोई गति नहीं होगी। और यह जो है वो क्या है, गत्यात्मक घटना है। क्या, गत्यात्मक मतलब ये अपना स्थान को क्या करेगा, चेंज करेगा। समझ रहे, इसके अंदर में गति होगी और इसके अंदर में क्या होगा, रुका हुआ अस्थिर होगा। समझ रहे हैं? अब जैसा अपक्षय कहते किसको है, सो समझिए। पहला चीज दिमाग में रख लीजिए कि अपक्षय क्या, अस्थैतिक क्रिया है, मतलब जहां पर है उसी स्थान पर होता रहेगा, उसके स्थान नहीं बदलते, और अपरदन के अंदर में उसके स्थान बदल जाती है। ये पहला अंतर हो गया, अपने ही स्थान पर स्थैतिक हो गया। अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, कमजोर होना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना की क्रिया को ही अपक्षय कहते हैं। समझ रहे, अपक्षय क्या है, तो अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, और उसके बाद उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो टूट करके कहां रह जाएं, वहीं रह जाएं, तो ये क्या कहलाएगा, ये अपक्षय कहलाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अपक्षय जो होता है इसको तीन प्रकार में बांट करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला अपक्षय है आपका भौतिक अपक्षय। कौन सा, भौतिक अपक्षय, या इसी को दूसरे शब्द में कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, यांत्रिक अपक्षय, मतलब कि फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग। समझ रहे हैं, यांत्रिक अपक्षय। देखिए ये क्या होता है, इसको समझा जाए क्या। फिजिकल अपक्षय के अंदर में आपको चार चीज पढ़ना है, ठीक है। पहला है ताप, ताप समझते हैं, तापमान। दूसरा है आपका तुषार चिरण, तुषार चिरण, या जल प्रवेश्य, जल प्रवेश्य। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है घर्षण, और चौथा है आपका दाब। समझ रहे हैं, ये चार पार्ट आपको समझना है किसमें, आंतरिक अपक्षय में, यांत्रिक अपक्षय या क्या, भौतिक अपक्षय। जरा सा तापमान को समझिएगा क्या होता है।
जैसे हम लोग चट्टान पढ़ चुके, आपने पढ़ा था कि आग्नेय चट्टान हो या अवसाद चट्टान हो, उसमें तत्व होते हैं और सभी तत्वों का नेचर क्या है, अलग अलग है। जैसे आप लोगों का नेचर अलग अलग है, नहीं जैसे वो बोलती है तो लगता है कि मुझे डांट रही हो, ये बोलती है तो लगता है कि चिढ़ रही हो, ये बोलती है तो लगता है कि एकदम मीठा चीनी सा शहद सा, नहीं ये क्या है कि ये क्या है कि सभी की प्रकृति क्या है, अलग अलग। उसी तरीके से चट्टानों में अलग अलग तरह के तत्व मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, तो उन सभी की प्रकृति क्या है, अलग अलग। तो एक्चुअली क्या होता है कि तापमान के कारण देखो चट्टान कैसे अपक्षय होता है, तापमान के कारण जो अपक्षय होता है उसको क्या कहेंगे, भौतिक अपक्षय। देखो कैसे, कोई चट्टान है और वो मान लो कि उष्मा का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो क्या करेगा, हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा, हीट को क्या करेगा, ले लेगा, और ले करके उसके बाद चट्टान फैलेगा कि सिकुड़ेगा, तो दिन में वो क्या करेगा, चट्टानों में बहुत प्रकार के तत्व हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हीट को लेकर के क्या करते हैं, फैलते हैं। तो चट्टान जब दिन होगा और जब चट्टान दिन में सूर्य की क्या होगा, किरणें जब उस पर पड़ेगी तो वो चट्टान दिन में क्या करेगी, फैलेगी, और दिन के बाद रात भी तो होगा, तो रात में सूर्य की प्रकाश क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। नहीं समझ में आया, तो ये जो दिन भर गर्म हुआ है वो अपनी गर्मी को निकालेगा तो फिर क्या करेगा, ये सिकुड़ेगा। तो दिन में फैलने तापमान के कारण और रात में सिकुड़ना, तो ये फैलने सिकुड़ने की क्रिया से धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब किसी भी चीज को बार बार क्या करो, फैलाओ सिकुड़ाओ फैलाओ सिकुड़ाओ फैलाओ सिकुड़ाओ, तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होकर वो टूट जाएगा। तो यहां पर जो अपक्षय हुआ है वो कौन सा अपक्षय है, भौतिक अपक्षय, और कारण क्या है, तापमान। तापमान के कारण समझ में आया, क्या कहोगे कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उष्मा के सुचालक होते हैं, वो उष्मा को ग्रहण करके चट्टानों को दिन में फैलाती है और रात में वो सिकुड़ता है। ये फैलने और सिकुड़ने का क्रम में चट्टाने कमजोर हो जाती है और फलतः टूट जाती है, और टूट के उसके अवसाद वहीं रह जाते हैं। तो यह अपक्षय कैसा है, भौतिक अपक्षय है, और इसके लिए जिम्मेदार तापमान। क्या समझा पाया। अगला दूसरा है तुषार चीरण या जल प्रवेश। अब इसको जरा समझिए, जैसे मान लो कि ये एक चट्टान है, क्योंकि आप जानते हैं कि जरूर थोड़ी कि चट्टान एकदम ऐसे होगा एकदम चिकना सा, जरूरी है, चट्टान तो कैसे भी हो सकता है, नहीं आलू वालिया जैसा भी हो सकता है चट्टान। अब देखो यहाँ क्या है कि बारिश हुआ, नहीं हुआ बारिश हुआ, तो दिन में बारिश जब हुआ तो पूरा पानी कहाँ भर जाएगा बताओ, इस गड्ढे में। नहीं समझ में आ रहा यार, इस गड्ढे में पानी क्या कर जाएगा, भर जाएगा। और रात्रि में आप जानते हैं, अच्छा एक बात बताओ कि ठोस जल्दी गर्म होता है कि द्रव, ठोस जल्दी गर्म होता है और ठोस जल्दी ठंडा भी होता है, जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। जैसे कई बार देखना कि जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो जल्दी से नॉर्मल भी हो जाता है, तो जो जितना जल्दी गुस्सा उतना जल्दी, उसी तरीके से ठोस जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा भी होता है। तो दिन में ये जल्दी से गर्म हो जाएगा, कौन, चट्टान, क्योंकि चट्टान तो ठोस है और इसमें पानी आके दिन में क्या हो गया, भर गया वर्षा के माध्यम से, तो रात में क्या होगा, जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो जल्दी से जब ठंडा हो जाएगा तो इसके तापमान को क्या करेगा, चट्टान खींचेगा, क्योंकि ये ठंडा हो गया ये थोड़ा सा गर्म रहा। नहीं समझ में आया, क्योंकि ठोस जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा होगा, द्रव देर से गर्म होगा देर से ठंडा होगा, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा तो इसकी तापमान नीचे गिर जाएगी, तो ये इसके गर्मी को क्या करेगा, खींचेगा, और खींच खींच करके इसको क्या कर देगा, पानी को भी एकदम ठंडा कर देगा, और पानी जम के बर्फ बन जाएगा, समझे। और जान तो एक विज्ञान का नियम है कि 9 सेंटीमीटर क्यूब अगर पानी आपने लिया है और ये इसी को जमा दो तो 10 सेंटीमीटर क्यूब बर्फ बनता है, यानी पानी से ज्यादा आयतन किसका होता है, बर्फ का, यानी पानी जितना जगह में एडजस्ट हो गया उसी पानी को अगर तुम बर्फ बनाओ तो उसको रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, समझ रहे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जब बर्फ बनता है, समझो जब ये बर्फ बनता है तो इसको ज्यादा जगह चाहिए कि कम जगह चाहिए, तो ज्यादा जगह तो इसके पास है नहीं, जितना चट्टान के पास है उतना ही तो रहेगा, तो ये फिर चारों साइड से क्या करता है, बल लगाता है कि भाई हटो हमें जगह दो। फिर दिन में क्या हुआ, सूर्य की प्रकाश आई तो ये बर्फ पिघल के पानी बन गया, और थोड़ा सा पानी और इसमें भर गया, फिर रात में बर्फ बनेगा, फिर और बल लगाएगा, तो ये बर्फ बनने की घटना में निरंतर इसके ऊपर एक बल बाहर की तरफ लगते रहता है, समझ में आया। बाहर की तरफ जो ये बल लगता है तो स्थितियां क्या हो जाती हैं, स्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि ये चट्टान क्या हो जाता है, टूट जाता है, कमजोर होकर टूट जाएगा। तो ये कौन सा पक्ष है, भौतिक पक्ष है, और इसके लिए जिम्मेदार क्या है, तुषार चीरण या जल प्रवेश, समझ में आया। तीसरी चीज है घर्षण। घर्षण का मतलब होता है रगड़। ऑब्वियसली जब किसी भी चीज के ऊपर जब घर्षण होगा तो चट्टाने घर्षित कर करके क्या हो जाएगी, रगड़ करते करते कमजोर हो जाएगी और फलता वो क्या कर जाएगी, टूट जाएगी।
तो जब चट्टान घर्षण के माध्यम से भी टूटता है तो इसको क्या कहा जाता है? भौतिक अपक्षय। समझ रहे हैं? और अगला है आपका दाब। समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि पृथ्वी के सतह के इतनी सी नीचे में एक बहुत बड़ा चट्टान है और वहीं से रेलवे की पटरी निकल गई। अब ट्रेनें जब वहां से गुजरेगी तो पूरा दाब किस पर पड़ेगा? उस चट्टान पर। तो निरंतर उस पर एक दबाव पड़ेगा, उस दबाव के कारण चट्टाने अंदर क्या कर जाएगी? टूट जाएगी और वहीं पर रह जाएगी टूटने के बाद। तो ये क्या कहलाएगा? दाब के कारण। तो ये जो अपक्षय है सारे कैसे अपक्षय हैं? भौतिक अपक्षय हैं। समझ रहे हैं? अगला जरा सा समझिएगा, रासायनिक अपक्षय। ठीक है, अगला कौन सा अपक्षय है? रासायनिक अपक्षय। देखिएगा रासायनिक अपक्षय में क्या होता है। रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय में पहला चीज समझ में आया कौन सा? क्या समझ में आया? हाँ, इसका लॉजिक समझ में आ गया कैसे टूटता है। दूसरा है रासायनिक अपक्षय में, सबसे पहला है क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और दूसरा है कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण। और तीसरा है विलयन या जलायोजन करा देता हूँ, छोड़ो यही बस। ठीक है, जलायोजन। ठीक, इसके लिए इंग्लिश शब्द है हाइड्रेशन, ये है हाँ, और ये ऑक्सीडेशन। अब देखिएगा यार, समझिएगा रासायनिक अपक्षय में क्या होता है। बहुत से ऐसे चट्टान होते हैं, बहुत से ऐसे चट्टान होते हैं जिसके अंदर में लौह कण उपस्थित होता है। लौह कण समझते हैं? लोहे के चूर उपस्थित होते हैं बहुत से चट्टानों में। आप लोग जैसा देखो, घर में खाना बनाओ, अभी तो ठंडी का टाइम है, खैर कोई बात नहीं, गर्मियों में खाना बनाओ और बना करके ना रात में और उसको खुले में छोड़ दो और सुबह जाके से उसको स्मेल करो, एकदम खट्टा सा आएगा, वो खाना खराब हो गया, फेंक दो। कारण, क्योंकि वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन जाके बार बार खाना से टकराता है और अभिक्रिया कर करके उसको ऑक्सीकृत कर देता है और उसमें बदबू आ जाता है। तो जिस भी चीज़ का ऑक्सीकरण होगा, जैसे लोहे में जंग लगना, एक्चुअली क्या है कि जैसे कोई लोहे का रॉड आपने गाड़ दिया, ऊपर से वर्षा हुई, तो वर्षा में क्या होता है? पानी ही तो आता है, H2O, और H2O में क्या है? ऑक्सीजन भी है। तो ये ऑक्सीजन आकर के इस लोहे से क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके इसमें क्या करता है? जंग लगाने का काम कर देता है। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, इसको भी कहते हैं। तो सोचो, लोहा को भी कमजोर करके वो क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो बहुत से ऐसे चट्टाने हैं जो चट्टान में क्या है? लौह कण उपस्थित होते हैं, लोहे के चूर उपस्थित होते हैं, और जब ये वायुमंडल के संपर्क में आता है चट्टान, तो जहां जहां भी इसमें लौह कण उपस्थित है उसका ही क्या कर देता है? ऑक्सीकरण कर देता है, और ऑक्सीकरण करने के कारण वो जंग लग के भुरभुरी से हो जाती है, और वहां से वो लोहा टपक के नीचे क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो वो जगह क्या हो गया? खाली हो गया। निरंतर ये लोहा के साथ ऐसे होते रहेगा और उसको क्या कर देगा? कमजोर करके तोड़ देगा। तो चट्टाने भी धीरे धीरे कमजोर होकर क्या कर जाएगी? टूट जाएगी। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण जनरली कौन से चट्टान का होता है? जो चट्टान लौह युक्त चट्टान होता है, लौह युक्त चट्टानों का ऑक्सीकरण होता है, और यह प्रक्रिया कौन सा है? रासायनिक है। समझ में आ रहा है? अगला क्या? कार्बोनीकरण। अब कार्बोनीकरण देखो क्या होता है। जैसे अपने क्लास में एक जागृति पटेल नाम की लड़की पढ़ती है, तुम क्या करो, इसके ऊपर आधी किलो एसिड फेंक दो, तो स्थिति क्या होगा? जलेगी कि बचेगी? जल जाएगी। गुस्सा क्यों हो रही हो? अब एक चीज और देखो, एक्चुअली क्या होता है, एसिड किसी पर भी फेंकते हैं तो एसिड क्या करता है? हिट देता है। नहीं, चेहरे पर अगर एसिड आया तो चेहरे को क्या करेगा? हिट देकर के उसको जला देगा। समझ रहे? वैसे ही कुछ क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में, जैसे मान लो एक पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्या है? चट्टान। आधा नीचे धंसा हुआ है, आधा ऊपर निकला हुआ है, या पूरा निकला हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? तो ऊपर में क्या है? वायुमंडल। आप जानते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, और इसके ऊपर बादल है, तो आप जानते हैं कि बादल से H2O निकलता है। तो जब बादल से पानी टपकेगी तो ये वायुमंडल से होते हुए आएगी कि सीधा कहेगा अच्छा यहाँ वायुमंडल है, ऐसे जाते हैं और ऐसे घुस के अंदर आएगी कि वो सीधा निकलेगी। जब सीधा निकलेगी तो रास्ते में इसको कौन, किससे मुलाकात होगा? कार्बन डाइऑक्साइड चाचा से भी मुलाकात होगा। तो ये चाचा इसको जाने देंगे कि इसके साथ कुछ करेंगे? क्या करेंगे? तो H2O प्लस CO2 दोनों जुड़ गए और जुड़ के बना देते हैं ये H2CO3। नहीं, टू और ओ, थ्री हो गया H2CO3, और यही इसी एसिड को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये एसिड बन जाता है। तो जितना ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वर्षा में, वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल करके मिल करके क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड बना देता है।
अब पानी जो है वो कैसा नेचर का हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। और ये एसिड आकर के अम्लीय वर्षा किस पर होता है, चट्टानों पर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा, क्योंकि यहां पर बन गया ना एसिड, उसमें एसिडिक हो गया नेचर, ये अम्लीय वर्षा चट्टानों पर गिरता है। तो चट्टान पर जब एसिड गिरेगा तो निरंतर इसको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, इसको उष्मा दे देकर के, एनर्जी दे देकर के कमजोर कर देगा, और कमजोर करके इसको तोड़ देगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बोनीकरण। समझ में आया, ये कार्बोनीकरण है। और ये प्रक्रिया, ये कौन सा पक्ष है, रासायनिक पक्ष। अगला है जलायोजन। अगला क्या है, जलायोजन। अब जरा सा देखिए, बहुत से ऐसे चट्टाने हैं जो पानी में घुलने वाले पदार्थ से बने हुए होते हैं, जैसे चूना पत्थर। चूना को उठाओ पानी में डाल दो, बिना हाथ उसमें डाले हुए अपने आप घुल जाता है। घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है। तो एक्चुअली क्या है, बहुत से ऐसे चट्टाने हैं जो घुलनशील पदार्थों से बना हुआ होता है। तो जैसे ही क्या करेगा, पानी के संपर्क में आएगा तो घुल घुल करके बिलबिला के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और उसके जो वेस्ट मटेरियल है वहीं पर क्या हो जाएगा, जमीन पर वहीं रह जाएगा, फैल जाएगा पिघल पिघल करके। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, जलायोजन। समझ रहे हैं। तो रासायनिक अपक्षय में ये तीन, और जानते हो जितने भी रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से चट्टाने टूटती हैं, चाहे ऐसे टूटे, ऐसे टूटे या ऐसे टूटे, रासायनिक प्रक्रिया से जब भी चट्टाने टूटती हैं तो इसको क्या कहा जाता है, वियोजन कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछा जाए वियोजन क्या होता है, तो कहना कि चट्टानों का रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा टूटना ही वियोजन है। समझ में आया। और चट्टानों का भौतिक प्रक्रिया के द्वारा टूटना विघटन है। हाँ, तो विघटन और वियोजन में फर्क है कि नहीं, विघटन भौतिक प्रक्रिया के द्वारा और वियोजन रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। क्या पटेल साहब आप समझ पा रहे हैं। अगला है आपका क्या, जैविक कारण, भौतिक कारण, रासायनिक और जैविक। तीसरा समझिए जैविक। हाँ, तीसरा समझो क्या, जैविक। जैविक अपक्ष है। तुम नहीं समझ रहे हो यार, तुम समझ रहे हो जागृति, चीनी कैसे किलो। तो अब देखना, जैविक अपक्ष जो है इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला बोलो, हैं, बाय प्लांट, यानी वनस्पति के द्वारा, वनस्पति के द्वारा। अब समझना, वनस्पति बताओ कि सजीव है कि निर्जीव होता है, इसलिए जैविक में आ गया वो। दूसरा नहीं, दूसरा क्या, प्राणियों के द्वारा। हाँ, प्राणी समझ रहे हैं, इसमें मानव को छोड़ दीजिएगा। हाँ, जीव जंतु द्वारा, प्राणी द्वारा, और तीसरा मानव द्वारा। ये तीनों को किस में रखेंगे, जैविक में। इसमें सबसे पहला क्या है, वनस्पति। अब जैसे देखो, समझो इसको, जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा चट्टान है, चट्टान है नहीं, और मान लो कि रघुवेंद्र का आदत है डेली शाम में अमरूद खाने का, और अमरूद खाने के बाद ये सुबह जब उठता है तो यही चट्टान पे जाके बैठता है। नहीं, अब चट्टान के माध्यम से अमरूद का जो बीज है वो कहां जाएगा, इसके नीचे, और हवा अंधड़ के माध्यम से थोड़ा धूल कण भी इसमें चला गया, तो हवा को क्या पहुंचा दिया, हवा क्या पहुंचाया बताओ, धूल कण नहीं, और यहां से क्या पहुंच गया, अमरूद के बीज नहीं, और ऊपर से थोड़ा वर्षा के माध्यम से पानी, सारा चीज मिल गया, बीज भी पहुंच गया, खाद भी पहुंच गया, पानी भी पहुंच गया, मिट्टी भी पहुंच गया। अब ये बताओ, ये पौधा बनेगा कि ये सड़ जाएगा यार, ये अब पौधा बनेगा नहीं, और पौधा जो है वो ऐसे बनेगा, देखो पौधा ऊपर की तरफ निकल गया, नहीं समझे, इसके अंदर से पौधा निकला नहीं, अच्छा पौधा ऊपर की तरफ निकलता है कि इसका जड़ नीचे भी जाता है, इसकी जड़ें नीचे जाएगी। अब जरा सा सोच के देखो, जब जड़ें इस चट्टान के अंदर घुसेगी तो ये चट्टान को क्या कर देगी, तोड़ देगी। तो ये जो अपक्ष है वो क्या है बताओ, वनस्पति के द्वारा, यानी पेड़ों के द्वारा तोड़ दिया गया, क्योंकि पेड़ जब भी पौधा का जन्म चट्टान के अंदर होता है तो उसके जड़ें कहां जाती है, चट्टान के नीचे, और जड़ें उसको क्या करती है, तोड़ देती है। इसको क्या कहेंगे, अपक्ष है। कैसा अपक्ष है, जैविक अपक्ष है, लेकिन कारण कौन है, वनस्पति। अभी भी नहीं समझा लगता, और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहां पर रघुवेंद्र बैठे ही, ये भी तो हो सकता है कि आम खा करके यहां फेंका और हवा आम को उड़ा के ले गया और उसके गुठली को इसमें डाल दिया, ये भी हो सकता है। चाहे जैसे भी बीज यहां पहुंच जाए, या पानी में बहते हुए वो बीज किनारे में पड़ गया और चट्टान के अंदर घुस गया, नहीं, और मिट्टी हवा पानी पहुंचा, वहां पौधा बन गया, चट्टानों को तोड़ दिया। समझ में आया क्या, ये कौन सा कहलाएगा, वनस्पति के द्वारा। अगला है प्राणी द्वारा। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो बिल बना के रहते हैं, जैसे चूहा,
हरामखोर घर का कोना तक खोद देता है वो, तो चट्टान को छोड़ेगा वो नहीं। तो बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो जीव जंतु अपने क्या करते हैं, बिल बनाकर, तो वे चट्टानों में अपना घर का निर्माण करते हैं। तो चट्टानों में जब घर के लिए अपना बिल खोदेंगे तो चट्टान क्या हो जाएगा, जालीदार हो जाएगा, बड़ा जालीदार है तुहार कुर्ती वाली बात नहीं। तो जब जालीदार होगा तो चट्टानों के ऊपर थोड़ा सा वैसे बल लगेगा तो चट्टाने क्या हो जाएंगे, टूट जाएगा। तो ये किसके कारण चट्टान कमजोर हुआ, प्राणियों के कारण। अब मानव कहाँ पीछे रहने वाले चट्टान को तोड़ने में, मानव अपने घरों के निर्माण करने के लिए क्या करता है, उसको पत्थर के छोटे छोटे वो चाहिए छतों के ढलाई के लिए, तो क्या करता है, हाँ तो पहाड़ों से चट्टाने निकाल निकाल के क्रेशर में डाल के उसको क्या करता है, तोड़ देता है। तो मानव भी पहाड़ों को और चट्टानों को तोड़ने में काफी भूमिका निभा रहा है। तो ये क्या हो गया, मानव द्वारा, क्या समझ पाए। अब जरा सा देखो, चाहे तो जैविक अपक्षय हो, क्योंकि जैविक अपक्षय भी एक प्रकार का भौतिक अपक्षय ही होता है, क्योंकि ये ताकत ही तो लगा के तोड़ रहा है, ये ताकत लगा के ही तो खोद रहा है, ये ताकत लगा के ही तो फोड़ रहा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक ही है। इसलिए चाहे तो जैविक हो या भौतिक हो, ये दोनों को इकट्ठा विघटन कहा जाता है, और रासायनिक वाला को इकट्ठा क्या कहा जाता है, वियोजन कहा जाता है। क्या समझ पाए बात, आइए नहीं समझे, अब आगे आइए जरा सा देखिएगा। अपक्षय वाला का दूसरा पक्ष क्या था फिर, अपरदन है ना, बाहर वाला में अपक्षय हो गया, समझ गए। अपक्षय का क्या अर्थ है कि चट्टान टूटे फूटे और उसके अवसाद वहीं रह जाए, अस्थैतिक क्रिया है, समझ गए। और ये तीन माध्यमों से होता है। अगला आइए क्या, अपरदन। अगला कहाँ है पटेल साहब, अपरदन पर है। अपरदन के लिए इंग्लिश शब्द क्या है, इरोजन। नहीं, जब तक आपकी शादी नहीं हो जा रही है तब तक आपको पटेल साहब कह रहे हैं, आगे देखेंगे क्या बनते हो आप। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अपरदन को जरा सा देखो। अपरदन का मतलब क्या है, कोई भी गतिशील चीज, धरातल पर दो ही चीज तो गतिशील है, हवा और पानी, चाहे तो वायु या क्या जल। वायु और जल जब गतिशील है, और मान लो कि यह धरातल का क्या है, है? यहां पर मान लो कि कोई ऊंचा वच्छ है और यहां पर मान लो कोई नीचा वच्छ है, तो स्थिति क्या होगा कि यह वायु या जल बार बार इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा, और बल लगा के इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। अगर तोड़ करके यही रख दे तब तो अपक्षय हो गया, लेकिन ये यही नहीं रहेगा बल्कि ये जल इसको अपने साथ क्या करेगी, बहा के ले जाएगी। तो यहां पर तोड़ने वाली घटना को क्या बोलते हैं, निम्नीकरण, और बहा के ले जाकर इस गड्ढे में फेंक देगी, ये क्या कहलाएगा, अधिग्रहण। तो यहां पर दो बात हुआ, जरा समझना, यहां पे तीन बात हुआ। पहला काम हुआ तोड़ने का, नहीं हुआ। दूसरे काम हुआ अपने साथ ले जाना, ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्थानांतरण। हाँ, तो स्थानांतरण, एक तो तोड़ेगा फिर स्थानांतरण करेगा, और दूसरा जाके गड्ढों में जमा कर देगा। जपा के लिए बोलते हैं निक्षेपण, समझ रहे हैं। ये तीनों को इकट्ठा कहा जाता है क्या, अपरदन। तो अपरदन क्या है, तो अपरदन एक गत्यात्मक क्रिया है जिसमें चट्टानों को तोड़ा जाता है, उसको अपने साथ स्थानांतरित करते हुए और कहीं जाके निक्षेपित किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, अपरदन। तो जरा सा देखिए कि अपरदन के माध्यम से जो उच्चा वच था वो खत्म होगा, और जो नीचा वच था वो भी खत्म होगा, और पृथ्वी क्या बनेगा, समतल बनेगा। तो समतल बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभाती है, अपरदन। जितना भी पृथ्वी पर विषमताएं पैदा होगी वो पृथ्वी के अंदर के कारण, आंतरिक बल के कारण, और समतल किसके कारण होती है, बाहरी बल के कारण, समझ रहे हैं। अपरदन क्लियर है, ठीक। अब देखिएगा अपरदन में दो चार पांच पॉइंट और समझना है, फिर हम लोग चलेंगे अपने अपने स्थान की ओर, प्रस्थान होंगे। नहीं, देखिए सबसे पहला क्या है, अपघर्षण। अपघर्षण जरा सा समझना इसको। दूसरा क्या है, सन्निघर्षण। हाँ, सन्निघर्षण। तीसरा क्या है, संचारण। चौथा क्या है, जल गति। जल गति। पांचवा क्या है, जल दाब। छठा क्या है, उत्पाटन। उत्पाटन। और सातवां है अपवहन, है ना, अपवहन। ये सातों को समझ लें, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे मान लो, समझो कि आलोक जो है वो एक बहुत बड़ा चट्टान था, लेकिन उसको ऐसे नदी तोड़ा तो इतना सा आलोक निकला। अब आलोक को पकड़ के नदी क्या कर रही है, घसीटते ले जा रही है, चल। तो पहले तो इसको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद इसका पैर पकड़ के क्या करेगा, घसीटेगा। जब इसको घसीटेगा तो इससे इसके बदन से जमीन भी क्या होगा, रगड़ होगा, नहीं समझे। जैसे चट्टान को जब नदी तोड़ती है
तो उसके अंदर जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको नदी अपने साथ क्या करती है, ले जाती है। तो ले जाते समय नदी के जो नीचे वाला जो जमीन है, जहां पर पानी रखा हुआ है, पानी जिस पर हाँ सतह पर, उस सतह को क्या करते हैं, रगड़ती है। एक तो खुद टूटा है और टूटने के बाद वो सतह को भी क्या करता है, रगड़ता है, और रगड़ रगड़ करके उसमें से भी क्या करता है, कटाई छटाई करता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपघर्षण। अपघर्षण समझ में आया। जब नदी, ऐसे समझिए जैसे मान लो ये उच्चावच है, यहां से कोई नदी जा रही है, नहीं समझे, तो इसको क्या करेगी, अभी उच्चावच रहने देगी कि इसको तोड़ेगी, ये टूट गया। और ये नदी का मान लो ये तल है जिस पर ये पानी क्या कर रही है, बह रही है। अब ये जब टूटा होगा तो ये नीचे आ जाएगा ना, कि ऊपर फैलेगा नीचे आ जाएगा, लेकिन पानी फिर भी इसको नीचे से धक्का देते रहेगी। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो इस हिस्सा को क्या करेगा, रगड़ता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा, रगड़ता हुआ, तो इस हिस्सा को भी रगड़ रगड़ के काटेगा। नहीं तो टूटी हुई जो नदी के अंदर में जो छोटे छोटे अवसाद हैं, वो जब नदी के साथ आगे बढ़ता है तो नदी के तल को रगड़ता है और वहां भी कटाई छटाई करते रहता है, और धीरे धीरे नदी गहरा होते चली जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपघर्षण। क्या अपघर्षण समझ में आया। अब अगला जरा सा सन्निघर्षण समझिए। जैसे ये नदी है तो ये छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ दिया तो नीचे तो रगड़ेगा ही, लेकिन ये कल क्या करते हैं, पानी के झोंके से ये आपस में भी टक्कर करते हैं। तो जब नदी के तल को रगड़ेगा तो अपघर्षण, लेकिन आपस में ही टक्कर करके, और ये भी छोटा छोटा क्या करेगा, टूटेगा। जैसे नदी में एक इधर से झोंका मारा तो दूसरा इधर से मारा, और ये कंध आपस में आके क्या किए, टकरा। तो टकराने करके ये भी तो टूटेंगे। तो आपस में टक्कर की क्रिया को सन्निघर्षण बोलते हैं। समझ में आया। अरे नहीं आया यार। अगला क्या है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है सो समझिएगा। कुछ ऐसे चट्टान जो घुलनशील होते हैं, समझ रहे हैं, जैसे मान लो इतना बड़ा चट्टान है, उसमें कहीं कहीं पर क्या है, चूना पत्थर है, समझ रहे हैं। तो पानी के संपर्क में जैसे जाएगा तो वो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और घुल करके पाउडर जैसा हो जाएगा, और नदी की पानी उसको अपने साथ बहा करके ले जाएगी, और कहीं पर जाकर उसको क्या कर देगी, फेंक देगी। जब फेंक देगी तो वहां का जो जमीन है उस पर चुना चुना जैसा पाउडर जमा हो जाएगा। इसी मैदान को कास्ट मैदान कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कास्ट मैदान। तो कास्ट मैदान किस प्रक्रिया के कारण होता है, संक्षारण के कारण। नहीं समझ। अगला है जल गति। अब देखो, सोचो, जल गति का मतलब यह कि जल गतिशील है कि रुका हुआ है, तो ये अपने ताकत से जब जल तोड़े तो इसको क्या कहते हैं, जल गति के कारण क्या, टूटना, यानी अपरदन। क्योंकि गति इसके कारण क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और यहां पर इसने बल लगाया है कि घोल लिया है, बस संपर्क में गया और वो घुल गया, लेकिन यहां पर क्या है, गति से और ताकत से तोड़ा है, धक्का दे करके। सन्निघर्षण अपघर्षण तो है कि ये वाला कण इसका यहां रगड़ रहा है, सन्निघर्षण तो ये आपस में रगड़ रहे हैं, लेकिन जल के गति के कारण जो यहां पर क्या हो रहा है, टूट फूट हो रहा है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, जल गति। जल दाब के कारण भी चट्टाने टूटता है। जैसे मान लो कि 500 किलो पानी ऐसे तालाब पर रखा हुआ है तो वो बह तो नहीं रहा, लेकिन स्थितियां क्या हो रही है कि नीचे जो चट्टान वगैरह है उसमें दबाव तो पड़ रहा है, तो जब जल के दबाव के कारण पानी क्या करे, चट्टान को तोड़ दे, या ऐसा, या कोई बांध बांध दिए, आप बांध समझते हैं, नदी में बांध बांध दिए तो पानी तो रुक गई, लेकिन पानी निरंतर उस पर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अभी गति में नहीं है पानी, क्योंकि पानी तो गति में आके तोड़ देगा, आया यहां पेड़ था उखाड़ चले गया, तो ये क्या हो गया, जल गति। लेकिन यहां पर बांध बंधा हुआ था, पानी क्या थी, रुकी हुई थी, लेकिन निरंतर इस पर दबाव लगा रही है, नहीं, और अचानक से तोड़ करके बांध को भी ले गई, नहीं, तो इसको इसको क्या कहेंगे, जल दाब के कारण वहां टूटा, प्रेशर के कारण टूटा, समझे। अगला है उत्पाटन। उत्पाटन क्या होता है, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिसमें पानी बहता है, कुछ नदियां ऐसी होती है जिसमें हिम बहता है, बर्फ। नहीं, जब आप उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो वहां पर नदियां क्या होती है, हिम नदियां होती हैं, मतलब पानी भी वहां जम के क्या हो जाता है, बर्फ जैसा बहता है, और वो बर्फ की तरह से बहता है, समझ रहे हैं। तो बर्फ जब बहता है, हाँ, ढेले की तरह, तो जब बर्फ के द्वारा जमीनों को रगड़ी जाए, जब चट्टान के द्वारा रगड़ी जाए तब तो घर्षण सन्निघर्षण, लेकिन जब बर्फ के द्वारा घिसाई करके काटी जाए तो उसको उत्पाटन कहा जाता है। उत्पाटन शब्द का मतलब ही है क्या चीज के द्वारा, हिम नदी के द्वारा, हिम के द्वारा। और अपवहन का अर्थ होता है वायु के द्वारा। जब वायु के द्वारा चीजों को क्या किया जाए, तोड़ी जाए, और तोड़ करके उड़ा के ले जाया जाए तो उसको क्या कहेंगे, अपवहन। समझ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, अपवहन कहते हैं। लगता नहीं आया समझ में।